नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। भारत चीन के बीच चल रहे विवाद के मद्देनजर लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं जमी हुई है। वहां हलचल तेज हो गई है। खास तौर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद भारत चीन में तनातनी ज्यादा है। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए दिल्ली और बीजिंग की ओर से सैन्य और राजनयिक कोशिशें जारी है और चीन कह भी रहा है कि वो बातचीत से मुद्दों को हल करना चाहता है, लेकिन चीन एलएसी के इलाकों में अपनी सैन्य मौजूदगी भी साथ साथ बढ़ा रहा है। एलएसी से लगे तीनों राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में लगातार चीन की पीएलए सैनिकों की आवाजाही बढ़ रही है। साथ ही साथ वो घातक हथियार भी इन इलाकों में इकट्ठा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पैगोंगसो झील, गलवान वैली के साथ ही पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों में चीनी सेना के जवान बढ़ते जा रहे हैं। पैगोंगसो और गलवान के अलावा डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी में भी भारत चीन के जवान आमने सामने हैं। भारत के कड़े विरोध के बावजूद पॉइंट 14 के इलाके में भी चीन ने फिर से ढांचा खड़ा कर दिया है। ये वही इलाका है जहां पिछले दिनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और जिसमें भारत के 20 और चीन के 50 से ज्यादा जवान भारत के 20 जवान शहीद हुए थे जबकि चीन के 50 से ज्यादा जवान मारे गए थे। रिपोर्ट में सबसे चिंता की बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में एलएसी पर पीएलए ने अपने जवानों के अलावा गोला बारूद और हथियार में भी इजाफा किया है। हालांकि चीन से सावधान, भारतीय सेना कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आर्मी ने हॉट स्प्रिंग, डेमचोक, कोयूल, फुकचे, देमसोंग, मुर्गो और गलवान में जवानों की तैनाती बढ़ा दी। इन सब के बीच भारतीय वायुसेना हाई अलर्ट पर है। सीमा के पास फ्रंटलाइन सुखोई MQ-30, फाइटर जेट मिराज 2000, जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट, अपाचे हेलीकॉप्टर और CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं, जो बीच बीच में उड़ान भी भर रहे हैं और चीन को यह संदेश दे रहे हैं कि एक गलती चीन पर बेहद भारी पड़ सकती है। खासकर लेह इलाके में इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना को पता है कि चीन का दोहरा चरित्र है और वो धोखेबाज भी है, इसलिए उसकी चालबाजी का जवाब देने के लिए तीनों सेनाओं को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और वो अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने लद्दाख के रण में भीष्म टैंक को उतार कर चीन को साफ संदेश दे दिया है कि इस बार वो चीन से आर पार के लिए पूरी तरह तैयार है। T-90 भीष्म की खासियत उसे लद्दाख का सबसे बड़ा योद्धा बनाती है। ये वही टैंक है जो लद्दाख की लड़ाई में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। T-19 भीष्म टैंक की बात करें तो इसका वजन 48 टन है जो दुनिया के हल्के टैंकों में से एक है। इसमें शक्तिशाली 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगा है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ता है और ये एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। ये दिन और रात दोनों में दुश्मन से लड़ने की क्षमता रखता है। साथ ही इसमें मिसाइल हमले को रोकने वाला कवच भी लगा हुआ है। ये 60 सेकंड में 8 गोले फायर करता है, यानी एक मिनट में 8 बार। और इस टैंक में अचूक 125 mm की मेन गन भी लगी हुई है जिससे लगातार दुश्मनों पर फायर किया जा सकता है। ये 6 किलोमीटर दूर मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता भी रखता है। साथ ही न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल युद्ध में भी ये सक्षम है। लद्दाख में भारतीय सेना के लिए यह हथियार सबसे घातक साबित होगा क्योंकि खुले मैदान में यह टैंक अहम भूमिका निभाएगा। लद्दाख के डेमचोक और स्पांगबुर गैप में रेतीली जमीन है। रेतीली जमीन पर टैंक तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। डेमचोक और स्पांगबुर गैप से चीन का हाईवे सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। ऐसे में चीन का हाईवे भारतीय टैंकों का आसान निशाना बनेगा। इसे लद्दाख में भारतीय सेना ने तैनात करके चीन को संदेश दे दिया है कि भारतीय सेना अब युद्ध जैसे हालात के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो चीन की गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं है। चीन को यह टैंक तैनात करके यह भी संदेश दिया गया है कि सीमा पर चीन का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
घुसपैठ के इलाके से चीन को पीछे हटना ही होगा, और अगर वो पीछे नहीं हटा तो ये टैंक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो ये रही लद्दाख में जो हाल की स्थिति है, जहां पर युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है, और कभी भी अगर चीन चालाकी करता है तो युद्ध जैसा माहौल तो बना हुआ है, कभी भी युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। हालांकि भारत की सेना भी इसके लिए तैयार है। तो ये रही वहां की लेटेस्ट अपडेट। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।